रिशु, नहीं 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 बेटा, कोई ऐसा सवाल नहीं करूंगी जिसके बदले तुम्हें कुछ बोलना पड़ेगा। सिर्फ सिर्फ सुनना रिशु, हमेशा बीवी बीवी करते रहते हो, लेकिन आज से पहले कभी पति की तरह न मधु को समझा न मधु के दिल को समझा। आज पहली बार उसके चेहरे की मायूसी देखकर उसे उसके मायके छोड़ आया। एक पति की तरह सारे फर्ज निभाए अपने। सिर्फ बीवी कहना नहीं बेटा, बीवी को बीवी समझना भी चाहिए था। मैं बहुत खुश हूं रिशु, और मधु बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। माँ, दीदू और उमा वापस कब आएंगे? वो काफी लंबा आउटडोर है, बहुत बड़ी फिल्म है, 2-3 हफ्ते और लगेंगे। माँ, माली को सूखी खांसी हो गई है। हाँ शायद। एक मिनट, क्या बना रही है? मैं तो फिर से यहाँ पर आ गई। देखना, तेरे पैरों की सूजन भी बढ़ गई है। तू जाकर आराम कर, मैं बस अभी आई। अरे माँ, मैंने कहा ना, मैं बस मालिक के लिए बना लूँ, फिर हम बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? जा। शहद, तैयार। ये थोड़ा जहर एसिड और ड्रग्स का मिक्सचर पी लो, आराम मिलेगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, तुम ये मौली बनवा लो, और दूसरा, ये मौली बनवा लो। मालिक, बहुत खांसी हो रही है ना? आप एक काम कीजिए, ये काढ़ा पी लीजिए, देखना कितना आराम मिलेगा। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। चुप, इसे चुपचाप पी लीजिए। आपकी खांसी से साफ पता चल रहा है कि आपकी तबीयत कितनी ठीक है और कितनी नहीं। लीजिए। अरे नहीं नहीं। मालिक, आप एक काम कीजिए, इसे एक घूंट में पी लीजिए, फिर ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आइए चलिए मालिक। गुड बॉय। इतनी कड़वी दवाई कहां से लेके आई तू? वो सब आप छोड़िए, अब आप आराम से सो जाइए, बहुत सारी बातें करनी है, वो हम कर करेंगे। गुड नाइट मालिक। मालिक को संभाला तो तू यहाँ आ गई, पता नहीं तू और मालिक कब बड़े होंगे। चल माँ, तेरे पैरों में तेल लगा देती हूँ। गुड नाइट मालिक। तो बिना कहे आरके तुझे यहाँ ले आया, इसका मतलब उसे एहसास हुआ कि
तुझे हमारी याद आ रही है। बेटा ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ आरके नहीं, एक आम मर्द के हिसाब से। इसका मतलब उसे तेरी परवाह है। माँ बहुत देर हो गई है, माँ सो जाते हैं। तुझे सोना नहीं है माँ? तुझे सच में लगता है ऐसा है? ऐसा है मतलब? मतलब कि आरके सच में मेरी परवाह करते हैं, मेरी फीलिंग्स की परवाह करते हैं? हाँ मां, जानती हो कुछ नहीं, सो जाते हैं। आरके बाकी लड़कों से बहुत अलग है। एक्चुअली लड़के क्या, वो बाकी इंसानों से बड़े अलग है। मुझे समझ में ही नहीं आता वो क्या सोचते, वो क्या महसूस करते। कुछ पता ही नहीं चलता। मधु तू आरके की छोड़ और अपना बता, तुझे क्या लगता है, तू क्या महसूस करती है? मैं वही माँ, मैं आज भी उससे उतनी नफ। मेरा मतलब है वो माँ सो जाते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। बीवी जाओ, दो दिन अपने मायके में ऐश करो। पता नहीं क्या अजीब सा कनेक्शन है इन दोनों में। यहां मधुबाला मैडम खाना नहीं खा रही है और वहां आरके भाई ले रहा है ना दूध। वाओ बेबी वाओ, क्या मस्त साड़ी है, तुम इसे पहनती क्यों नहीं हो? बस ऐसे ही नहीं पहनती। पर क्यों बेबी, ये कितनी प्यारी सी, कितनी स्वीट सी, कितनी क्यूट सी और हॉट सी, तुम्हें क्या लग रही है? प्लीज सिक्की डोंट इरिटेट मी, फॉर गॉड्स सेक जाओ यहाँ से। ये क्या है जानू, तुम गॉड का नाम लेकर मेरे रोमांटिक मूड को धार्मिक मूड बना देते। जानू सिर्फ एक, जस्ट वन। स्वेयर टू गॉड आई विल किल यू सिकी। So sad, RK. क्या पसंद हुआ करती थी तुम्हारी जब तुम मेरे साथ थे, कितने प्यार से ये साड़ी लाए थे तुम मेरे लिए, और अब पकड़ा भी तो किसको, किस एंगल से तुम्हारे लायक लगती है वो। पद्मनी जी, वो
कल रात, आप तो जानती हैं कि मैंने कभी शराब नहीं पी, ना जाने नशे में क्या क्या बकवास कर गया मैं। आप ठीक ही कहती थी कि आरके शायद इतना बुरा आदमी नहीं है। मुझे मुझे माफ कर दीजिए मलिक। मुझे इस बात की खुशी है कि आरके को लेकर आपकी जो भी गलतफहमी है वो दूर हो गई। कोई बात नहीं मलिक, हम सभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं आरके को समझने में भूल कर चुके हैं। हमारी मधु नहीं दिख रही, कहाँ है वो? पता नहीं, मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। सुबह सुबह कहाँ चली गई? मधु सुबह सुबह नाश्ता लेने गई। क्या कोई बिना गहरी सांस लिए मुझे बता सकता है कि मैं नाश्ते के लिए क्या लाई हूँ? टांग टांग, ये आपके लिए, और मालिक ये आपके लिए, और माँ आपकी फेवरेट चटनी भी लाई हूँ मैं। ये आप क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने मना किया है ना, चुपचाप पड़ा पाव खाइए। थोड़े से में क्या फर्क पड़ता है? मालिक मना किया ना मैंने, और आपको पता है ना आज तो दीदू भी नहीं है जो आपको चुपके से टेबल के नीचे से चटनी दे दे, तो चुपचाप वड़ा पाव खा लीजिए। वैसे मालिक अब आपकी खांसी ठीक है ना? मेरा तेरा काढ़ा ने तो कमाल कर दिया। मालिक वो मेरा नहीं, आरके का पता। मैं पानी लेकर आती हूँ।